तू इतना सुस्त क्यों है? जाके कुछ काम क्यों नहीं करता? साथ वाले शर्मा जी के लड़के को देख ले, वो कितनी मेहनत करता है। ऐसे डायलॉग्स हमने अपने पेरेंट्स से जरूर सुने होंगे, और हमें भी लगता है कि यार मैं इतना सुस्त क्यों हूँ। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप सुस्त नहीं हो, और ये मैं नहीं मेडिकल साइंस कहती है। देखो, कुछ साल पहले तक इवन इंडियन क्रिकेटर्स को लोग सुस्त कह रहे थे। जो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है एंड्रयू साइमंड्स, उन्होंने 2010 के इंटरव्यू में एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कही। उन्होंने कहा कि 90% इंडियन क्रिकेटर्स बहुत लेजी हैं और वो बहाने मारते हैं। 90% of your Indian players are lazy. You just look at them as physical specimens and you think. But reality ये है कि हमारे क्रिकेटर्स लेजी नहीं थे, बल्कि वो बर्न्ड आउट हो चुके थे, और ये बात उन्हें खुद भी नहीं पता थी। एक्चुअली हुआ ये था कि साइमंड्स की इंटरव्यू के ठीक एक साल के बाद इंडिया के मेंटल कंडीशनिंग कोच पैडी अपना ने भी यही कहा था कि इंडियन प्लेयर्स मेंटल फटीक से सफर कर रहे हैं, और उनका शेड्यूल इतना बिजी था कि वो एक मशीन की तरह काम कर रहे थे। और सच्चाई ये है कि हम में से कई लोगों के साथ भी सेम होता है, और इस वीडियो में मैं आपको 5 सिम्टम्स बताऊंगा, जो अगर आप में है तो आप समझ लेना कि आप सुस्त नहीं बल्कि बर्न आउट हो। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको सिम्टम बताऊं, हम में से मैक्सिमम लोग ये सोचते होंगे कि बर्न आउट होता क्या है, तो इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था हर्बर्ट, जो कि 1970 में एक ड्रग रिहैब क्लिनिक में काम करते थे, यानी नशा मुक्ति केंद्र में। वो जहां पर काम कर रहे थे वहां पर उन्हें हर रोज 12 घंटे तक काम करना पड़ता था। हर्बर्ट के साथ बाकी काफी सारे डॉक्टर्स थे जो जॉब छोड़ रहे थे क्योंकि उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा था। ऐसी कंडीशन में हर्बर्ट ने सोचा कि उन्हें ब्रेक लेना चाहिए और अपनी फैमिली के साथ वो वेकेशन पर जाएंगे। इसीलिए उन्होंने अगले दिन के लिए फ्लाइट बुक करवा दी। रात को वो सो गए, लेकिन हुआ ये कि वो सुबह उठ ही नहीं पाए और उनकी फ्लाइट मिस हो गई। ऐसा हर्बर्ट के साथ पहले कभी भी नहीं हुआ था, और इसीलिए उन्होंने अपना ये एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करने का सोचा। हर्बर्ट ने बाद में जब अपनी रिकॉर्डिंग को सुना तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ये उन्हीं की वॉइस थी। वो उस रिकॉर्डिंग में बहुत ही थके हुए, गुस्से और फ्रस्ट्रेटेड आदमी की तरह बात कर रहे थे। इसके बाद हर्बर्ट जब अपने क्लिनिक में आए तो उन्होंने देखा कि बाकी सारे डॉक्टर्स भी एग्जैक्टली ऐसा ही बिहेव कर रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने देखा कि वहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं वो वैसा ही बिहेव कर रहे थे जैसे कि वहाँ पर ड्रग एडिक्ट थे, यानी जो नशा करने वाले लोग हैं उनकी तरह बाकी डॉक्टर्स बिहेव कर रहे थे। और इस चीज को हर्बर्ट ने नाम दिया बर्न्ड आउट। इन शॉर्ट, बर्न्ड आउट का मतलब है कि जब हम कई दिनों तक, महीनों तक इतना ज्यादा काम कर लेते हैं जिसकी वजह से हम सारी एनर्जी, क्रिएटिविटी और मोटिवेशन लूज कर देते हैं। और ये बर्न आउट एक या दो दिन में नहीं, हफ्तों महीनों में होता है। बर्न आउट के 5 स्टेजेस में सबसे पहला स्टेज हनीमून फेज आता है। इमेजिन करो कि आपकी नई नई जॉब लगी है और आप काफी ज्यादा खुश हो क्योंकि आप नए फ्रेंड्स बना रहे हो, नया ऑफिस है और कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो आप स्टेज 1 में हो। और फिर कुछ टाइम के बाद आपकी खुशी खत्म होने लगती है और बर्नआउट का सेकंड फेज आएगा, जो कि है ऑनसेट ऑफ स्ट्रेस, जिसमें हमें थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस फील होने लगता है क्योंकि हमारे ऊपर डेडलाइन का प्रेशर आ रहा है, हमें ओवरटाइम काम करना पड़ता है, हमारी पर्सनल लाइफ अफेक्ट होती है और हम काफी ज्यादा प्रेशर फील करते हैं। धीरे धीरे ये स्ट्रेस बढ़ता जाता है और ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है, और इस स्टेज को हम बर्नआउट का 3rd स्टेज कहते हैं, दैट इज क्रॉनिक स्ट्रेस। कुछ महीनों के बाद हम 4th स्टेज में आते हैं जिसमें ये क्रॉनिक स्ट्रेस बर्नआउट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ हनीमून फेज के बिल्कुल उल्टा होता है, कोई खुशी नहीं, हम अपनी सारी मोटिवेशन लूज कर देते हैं और कुछ काम करने का मन ही नहीं करता, और जो हमारी क्रिएटिविटी होती है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, और हम इतने थक चुके होते हैं कि हम किसी से बात भी नहीं करना चाहते। और फाइनली जब ये चीज कई हफ्तों तक चलती है तो हम 5th स्टेज में पहुंच जाते हैं, यानी हैबिचुअल बर्नआउट। ये सिचुएशन इतनी सीरियस है कि हम में से कई लोग इसमें फंस जाते हैं और रियलाइज ही नहीं कर पाते कि हमारी हेल्थ इससे खराब हो रही है। स्पेशली यहाँ पर इंडिया में हम सब सोचते हैं कि ये सिंपल स्ट्रेस है, एक छोटी सी टेंशन। बर्नआउट के हम स्टेजेस तो समझ गए, लेकिन सवाल यह आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम बर्नआउट है कि नहीं। तो इसके लिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर हमें ये 5 में से एक भी साइन हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली हम बर्नआउट स्टेज में हैं, जिसमें सबसे पहला साइन आता है लैक ऑफ मोटिवेशन। इस रेडिट यूजर के अकॉर्डिंग वो एक IT ग्रेजुएट है और वो कई सारी जॉब्स ट्राई कर चुका है। शुरू में वो मोटिवेटेड था, लेकिन 5-6 महीनों में वो सारी मोटिवेशन लूज कर देता है और वो इतना बोर हो जाता है कि उसे जॉब स्विच करने का मन करता है। उसके माइंड में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, मैं अगले 30-35 सालों तक एक ही चीज कैसे कर सकता हूँ। और ये सबसे कॉमन साइन है बर्नआउट का, कि हम अपनी मोटिवेशन ही लूज कर देते हैं, हमें कोई काम करने का मन नहीं करता। सेकंड साइन आता है फ्रस्ट्रेशन एंड एग्जॉस्टन, जैसे कि हमने डॉक्टर हर्बर्ट के एग्जांपल में देखा था कि जब उन्होंने अपने आप को रिकॉर्ड किया तो वो उसमें फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे, यानी छोटी छोटी चीजों के लिए चिढ़ रहे थे, और तब उन्होंने ये रियलाइज किया कि कुछ तो गड़बड़ है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जो उनके हॉस्पिटल में ड्रग एडिक्टेड लोग थे, यानी जो नशा छुड़ाने के लिए आए थे, उनका बिहेवियर डॉक्टर हर्बर्ट और बाकी डॉक्टर जैसा था। अब पेशेंट्स का चिढ़ना तो समझ में आता है क्योंकि उन्हें नशा नहीं मिल रहा है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन बर्नआउट के कारण ये डॉक्टर्स भी वैसा ही बिहेव कर रहे थे।
बर्नआउट का थर्ड साइन है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी चीजों को टालना। द 5 सेकंड रूल बुक की ऑथर मेल रॉबिन्स अपनी स्टॉक में ऑडियंस से पूछती है कि आप में से कितने लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, तो ज्यादातर लोग अपना हाथ ऊपर उठाते हैं। इसके बाद मेल बताती है कि प्रोक्रास्टिनेशन सुस्ती की वजह से नहीं होता। इनफैक्ट मेल को सबसे ज्यादा जो लेटर्स आते हैं वो PhD स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के आते हैं, जो कि काफी हार्ड वर्किंग होते हैं, ना कि सुस्त। मेल के अकॉर्डिंग प्रोक्रास्टिनेशन एक तरीका है स्ट्रेस रिलीज करने का, और हम ये तभी करते हैं जब हम बर्न आउट होते हैं। हम इसे ज्यादातर लोग इसे लेजीनेस, सुस्ती का नाम देते हैं, और इसलिए प्रोक्रास्टिनेशन यानी टालना भी बर्न आउट का ही सिम्टम है। फोर्थ साइन आता है लैक ऑफ क्रिएटिविटी। अगर आप बर्न आउट हो तो आपकी क्रिएटिविटी भी खत्म हो चुकी होगी। ये है पॉपुलर कॉमेडियन साहिल शाह, जो कि 13 साल से कॉमेडी कर रहे हैं और इसमें वो काफी सक्सेसफुल भी है। लेकिन हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे वो अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं और उन पर इतना प्रेशर है कि वो अपनी क्रिएटिविटी लूज कर रहे हैं। इनफैक्ट एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो 75% कॉन्टेंट क्रिएटर्स है वो बर्न आउट की वजह से अपनी कॉन्सेंट्रेशन और क्रिएटिविटी लूज कर देते हैं, और कई लोगों की इनकम इससे बहुत कम हो जाती है। फिफ्थ साइन आता है निग्लेक्टिंग सेल्फ केयर। अगर आपने अपनी केयर रखना बंद कर दिया है, जैसे कि अपनी लुक्स पर या अपनी पर्सनल हेल्थ पर, तो ये भी साइन हो सकता है बर्नआउट का। और ये सिर्फ हम जैसे कॉमन लोगों के साथ नहीं होता। इवन ब्रिटिश रॉयल फैमिली के प्रिंस हैरी ने हाल ही में बताया कि वो अपनी बिजी लाइफ से इतना ज्यादा थक चुके थे कि वो बर्नआउट फील कर रहे थे, और इसका मेन रीजन था उनका सेल्फ केयर को निग्लेक्ट करना, और ये चीज उनके हेल्थ को अफेक्ट कर रही थी। पूरी तरह थकने के बाद उन्होंने अपनी सेल्फ केयर को नंबर 1 पर रखा और मेडिटेशन स्टार्ट कर दी, जिससे उन्हें अब बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। इवन डॉक्टर हर्बर्ट का जो हमने एग्जांपल लिया था, उसमें भी क्लिनिक के ज्यादातर डॉक्टर्स खुद की सेल्फ केयर को निग्लेक्ट कर रहे थे और उनका स्केड्यूल इतना ज्यादा हेक्टिक था कि वो अपने लिए पर्सनल टाइम भी नहीं निकाल पा रहे थे, और इसका डायरेक्ट असर उनकी हेल्थ पर पड़ रहा था। बट हमें से कई लोग सोचते होंगे कि ये साइन तो ठीक है और हाँ, मैं भी बर्नआउट फील करता हूँ, लेकिन इसकी वजह क्या है और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? तो बर्नआउट को 4 तरीके से ठीक किया जा सकता है। नंबर 1, फ्रेंडशिप। पहला रीजन है फ्रेंडशिप डेफिशिएंसी। फेमस फिजिशियन और ऑथर डॉक्टर रंगन चैटर्जी यहाँ अपने एक पेशेंट स्टुअर्ट की स्टोरी बताते हैं। स्टुअर्ट के पास सब कुछ था जो कि हम ड्रीम करते हैं। उनका एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस था जिसे वो काफी अच्छे से चला भी रहे थे। फरारी, लैम्बर्गिनी जैसी स्पोर्ट्स कार में वो घूमते थे और बाहर से सब इनके लाइफ को कॉपी करना चाहते थे। बट अंदर से स्टुअर्ट इतने थके हुए महसूस कर रहे थे कि उनका बेड से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। जब डॉक्टर रंगन ने स्टुअर्ट से बात करी तो पता चला कि वो अपना मैक्सिमम टाइम अकेले बिताते थे। वो अपने फ्रेंड्स को सिर्फ सोशल मीडिया पर देखते थे और मैक्सिमम टाइम खुद अकेले ही बिताते थे। डॉक्टर रंगन ने उन्हें पर्ची में सिर्फ एक ही मेडिसिन रेकमेंड करी और वो थी स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स। जिसके बाद स्टुअर्ट ने अगले 6 हफ्तों तक हर वेनेसडे अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया। और जब वो इसके बाद डॉक्टर रंगन के पास आए तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी बन चुके थे। वो बहुत ही एनर्जेटिक और मोटिवेटेड फील कर रहे थे। हमें से कई लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम है, और सिर्फ इस सिंपल सोल्यूशन की मदद से हम बर्नआउट की साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। सेकेंड सोल्यूशन आता है फॉलोइंग योर हॉबी। डॉक्टर रंगन अपने एक और पेशेंट के बारे में बताते हैं कि वो एक सक्सेसफुल कंपनी के CEO थे। वो अपने काम को भी इंजॉय करते थे और उनकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल और हैप्पी फैमिली थी। बट एक पॉइंट पर आके ये क्लाइंट ना तो अपने जॉब को इंजॉय कर रहे थे, ना ही अपने वाइफ और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। डॉक्टर रंगन को इनसे बात करके ये पता चला कि वो इतने बिजी रहते थे कि उन्हें टाइम ही नहीं मिलता था अपनी किसी भी हॉबी पर काम करने के लिए। फिर डॉक्टर रंगन ने उनसे पूछा कि चलो, अभी आपके पास बेशक हॉबी नहीं है, बचपन में तो कोई हॉबी होगी। तो इस पर उनके पेशेंट ने कहा कि हाँ, बचपन में मैं एक ट्रेन सेट से खेलता था। और डॉक्टर रंगन ने उन्हें रेकमेंड किया कि वैसा ही एक ट्रेन सेट खरीदो और उसे खेलना स्टार्ट कर दो। पहले तो ये सजेशन उनके पेशेंट को बहुत ही अजीब सा लगा कि मैं तो अब बड़ा हो चुका हूँ, मैं इस ट्रेन सेट से कैसे खेल सकता हूँ। लेकिन एनीवेज उसने उसे खेलना स्टार्ट किया। इसके 3 महीने के बाद डॉक्टर रंगन को इस पेशेंट की वाइफ मिली और वो बहुत खुश थे क्योंकि उसने देखा कि उसका हस्बैंड ऑफिस से आके उस ट्रेन सेट से खेलता था, और उस ट्रेन सेट से खेलने के 1 घंटे के बाद वो बहुत ही मोटिवेटेड फील करता था, और उनकी फैमिली में अब बहुत ही बॉन्डिंग बन गई है। थर्ड सोल्यूशन आता है नॉट रनिंग बिहाइंड परफेक्शनिज्म। 2019 से 2022 तक लेजेंडरी प्लेयर विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो उस वक्त काफी फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड फील कर रहे थे, और मोस्ट प्रोबेबली वो बर्नआउट थे। इनफैक्ट वो एक टाइम पर खुद को दुनिया का सबसे बेकार क्रिकेटर मान बैठे थे। इसका एक रीजन था उन पर परफेक्शनिस्ट टैग का प्रेशर लगना। 2019 से पहले विराट कोहली रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड तोड़ रहे थे और सब उन्हें रन मशीन और लेजेंड का स्टेटस ऑलरेडी दे चुके थे, और इसी परफेक्शनिस्ट इमेज को मेंटेन करना काफी लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। वो खुद से इतने ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि ऑलरेडी ये एक्सपेक्टेशन उनके कंट्रोल और कैपेबिलिटी से बाहर होती है।
इवन एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग ज्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं बर्नआउट उनमें सबसे पहले होता है, क्योंकि उनकी खुद से बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है। उन्हें लगता है कि वो बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा चीजें कर सकते हैं। और इससे बाहर निकलने का एक सिंपल सोल्यूशन है, द आर्ट ऑफ सेइंग नो, यानी कि जो चीजें हमें हमारी लिमिटेशन से बाहर लगे उन चीजों को सिंपली नो कहना और परफेक्शन के प्रेशर में आके हर चीज को हाँ ना कहना। आर्ट ऑफ सेइंग नो को डॉक्टर रॉबर्ट ग्लोवर ने अपनी बुक नो मोर मिस्टर नाइस गाई में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और इस बुक को आप गीगल एप्लीकेशन पर सुन सकते हैं। गीगल एप्लीकेशन पर 40,000 रुपए से ज्यादा वर्थ की ऑडियो बुक समरीज हिंदी में एट नो कॉस्ट आप सुन सकते हैं। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे हम आपको 200 से ज्यादा बुक समरीज गिफ्ट कर देंगे जो कि फर्स्ट रो में आपको मिल जाएगी। इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। इसके बाद आता है फोर्थ सोल्यूशन जिसे हम बर्नआउट से बच सकते हैं, जो कि है हैविंग अ प्रॉपर स्केड्यूल। जैसे कि ये मेडिकल स्टूडेंट पिछले 4 सालों से कंसिस्टेंटली बिना बर्नआउट हुए लॉन्ग आवर्स तक पढ़ाई कर रहे हैं, और ये हुआ है सिर्फ प्रॉपर स्केड्यूलिंग के दम पर। इन्होंने सिंपली अपने स्केड्यूल को स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया है जिसमें ये 2 से 4 घंटे तक ही काम करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के प्रिंसिपल को समझते हैं, जो कहता है कि लगातार अगर हम 5 या 6 घंटे तक कोई टास्क परफॉर्म करेंगे तो हर एक आर के साथ हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती रहेगी। यानी अगर पहले आर में हम 3 पेजेस कवर कर रहे हैं तो अगले आर में हम 2 पेजेस कवर कर पाएंगे, उसके अगले आर में 1 पेज एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम 2-2 घंटे का स्लॉट बना देते हैं और इसके बीच में अपनी कोई हॉबी परस्यू करते हैं तो हम ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं। इन कंक्लूजन इस वीडियो में हमने सबसे पहले देखा कि जिसे हम लेजीनेस यानी सुस्ती समझ रहे थे वो बर्नआउट भी हो सकता है। बर्नआउट के हमने 5 फेजेस देखे कि कैसे कैसे हम बर्नआउट होते हैं, जिसमें पहला था हनीमून फेज यानी हम एकदम खुश हैं। फिर आता है ऑनसेट ऑफ स्ट्रेस यानी धीरे धीरे हमें स्ट्रेस होने लगता है। फिर ये स्ट्रेस अगर 4 हफ्तों से ज्यादा बढ़ जाए तो ये क्रॉनिक स्ट्रेस में बदल जाता है, और इसके बाद बर्नआउट स्टेज में, और फिर ये हैबिचुअल बर्नआउट में पहुंच जाता है। इसके बाद हमने ये 5 साइंस देखे कि अगर ये साइंस हम में है तो मोस्ट प्रोबेबली हम बर्नआउट है। और फाइनली हमने ये 4 तरीके देखे कि किससे हम अपना बर्नआउट खत्म कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन सारी चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ, 40,000 रुपए वर्थ की बुक समरीज हमने हिंदी में फ्री में गूगल एप्लीकेशन में आपको गिफ्ट कर दी है। अगर आप चाहें तो उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।